नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आई बिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय 12 सेक्टर में मौजूद है जहां पर हम हैं मातूराम हलवाई के पास। और यहां पर जैसे आपको पता ही है कि सीज़न का समय चल रहा है त्योहारों के, और लोग जो हैं तरह तरह की जगह पर जाना खाना पसंद करते हैं, मार्केट में निकले होते हैं। और आपको बता दें कि सामने देख सकते हो मातूराम हलवाई के पास पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं दूध से तैयार पेड़े, देसी घी के जलेबी, समोसे और भी काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बेचा जाता है। और बता दें कि काफ़ी शानदार यहाँ पर जो है जलेबी मिलती है, और जलेबी भी ऐसी कि मुंह में पानी आ जाए बिना खाए भी। आपको बता दें कि ये जलेबियाँ तैयार हो रही हैं, ये देख लीजिए, ये एक एक जलेबी आप साइज़ देख सकते हो एक एक जलेबी का। आपको बता दें कि ये 250-250 ग्राम की पाया पाया की एक एक जलेबी जो है ये तैयार हो रही है और बड़ी शानदार लग रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर इसे तैयार जो है किया जा रहा है, और लोग भी बड़े खुश होकर यहाँ पर जो है आते हैं और खा रहे हैं। आपको बता दें पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो है ये मातूराम हलवाई का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है 12 सेक्टर के अंदर। तो आपको एक बार बात भी करेंगे मालिक से। काफ़ी शानदार जलेबियाँ ये देख लीजिए, बड़ी शानदार जलेबियाँ जो हैं यहाँ तैयार हो रही हैं बड़े साफ़ सुथरे तरीके से। और बता दें ये देसी घी की जलेबी है जो कि बड़ी शानदार है, आपको खा के भी एक बार बताएंगे कि जो जलेबी है वो कैसी है। और दूसरी तरफ बता दें, इधर ये दूसरी तरफ देख लीजिए कि ये देसी गाय का जो दूध है वो भी इधर आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको देसी गाय का जो दूध है ये देख लीजिए, केसर डालकर इसे यहाँ पर बनाया गया है। और आगे देख लो समोसे हैं, बिल्कुल बढ़िया ताज़ा समोसे। और ये जो है आपको बता दें कि जलेबी, ये देख लीजिए, दिखाइए भैया ज़रा एक बार, ये देख लीजिए ये जलेबी है, आप देख सकते हो मेरे पूरे हाथ से भी बड़ी ये जलेबी है। तो एक बार इसका टेस्ट भी आपको बता दें कि बड़ी शानदार जलेबी जो है लोगों ने यहाँ बताया कि काफ़ी अच्छी है। तो ये देख लीजिए कि साइज़ आप देख सकते हो मेरे हाथ से भी बड़ा साइज़ है एक एक जलेबी का। आपको बता दें पाइया पाइया की जलेबी, यानी किलो में ये 4 चढ़ती हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आपको बता दें कि देसी घी के अंदर इसको, ये देसी घी में ये फ्राई हो रही है। और साथ में देख लीजिए ये पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे। और इधर आपको बता दें कि पीछे तैयारी कैसे हो रही है ये भी आपको दिखाएंगे, और बाद में जो यहाँ के ओनर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश जो है एक बार करेंगे एक बार जो है आपको। और दोस्तों ये देख लो पीछे की तरफ है, ये जो पेड़े हैं दूध के पेड़े उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पे। ये पेड़े बना रहे हो भैया? पेड़े बना रहे हैं। पेड़े बना रहे हो? हाँ। जो ये मावा निकालेंगे दूध का, मावा निकाल के इसके बाद मावा निकालोगे? हाँ। अच्छा अच्छा, इसके बाद पेड़े बनाओ। कितने टाइम में बना लेते हो? टाइम लगेगा इसमें आधा घंटा लगता है। आधा घंटा लगता है? हाँ। कितने किलो दूध का बनाया? ये 12 किलो दूध का रोज का है, 1 क्विंटल दूध का बनाते हैं। 1 क्विंटल दूध का? हाँ, रोज रोज लग जाता है। देख लो कि 1 क्विंटल दूध से तैयारी चलती है। इधर देख लीजिए ये तैयारी चल रही है समोसों की, ये इधर देख लीजिए कि ये बन रहा है। ये भैया जलेबी के लिए बना रहे हो? जलेबी के लिए तैयारी चल रही है। जलेबी के लिए ये देख लीजिए, जलेबी की तैयारी चल रही है, वही देसी घी की जलेबी। आपको बता दें मातूराम की बड़ी खास जो है ये पॉपुलर जलेबियां हैं। और इधर देख लीजिए ये पेड़े, ये भैया क्या ये पेड़े तैयार कर रहे हो? दूध के पेड़े मावे से? हाँ, मावे मावे से तैयार कर रहे हो। एक बार टेस्ट दिखाना भैया एक। तो आपको बता दें कि ये पेड़े जो हैं ये देख लीजिए, ये बिल्कुल जो है ओरिजिनल जो है ये मावा, आप देख लीजिए बहुत बढ़िया। और भैया ये पैकिंग किस चीज की? अपना ये ड्राई फ्रूट की पैकिंग भी होती हाँ है? जी, ड्राई फ्रूट भी मिलता है यहाँ पे? हाँ जी, मिलता है। पिस्ता ये सुहारे जी। अच्छा, तो आपको बता दें ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये पैकिंग भी जो है पीछे चल रही है, और ये समोसे तैयार हो रहे हैं। भैया समोसे तैयार कितने हो जाते हैं रोज के? समोसे रोज के कम 1000 समोसे। 1000 समोसा रोज? रोज का। यहाँ पर देख लीजिए 1000 समोसा रोज जो है तैयार होता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। आपको बता दें कि एक बार जो ऑनर है उनसे बात करते हैं। ये मैंने पेड़ा खाया, पेड़ा तो बहुत शानदार है। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि एक बार जो मालिक है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं ये। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश। कहाँ से हैं? गोहाना से। गोहाना से। तो ये बताएंगे यहाँ पर काफ़ी टेस्टी है आपकी जलेबी भी बड़ी अच्छी है, और ये मैंने मावे का पेड़ा भी खाया अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे लोग? मतलब ये कब से आप बना रहे हो ये सब? ये हमने 6 तारीख से स्टॉल लगाई है। हाँ, तो पहले हमने आगे लगाई थी 12 सेक्टर की लाइट पे। अच्छा। तो अब पीछे आ गए हम। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वहाँ पे ट्रैफिक की। अच्छा, तो उसकी वजह से हमने पीछे
ट्रांसफर किया है। हाँ हाँ, तो ये आप कितने समय से है ये माथुराम हलवाई, ये कितने सालों से चल रहा है? काफी सालों से चला हुआ है ये, 80-90 साल हो गए हैं। 80-90 तो यानी आपके पुरखों के समय से? हाँ, है आपका ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गोहाना से हो? हाँ गोहाना से। गोहाना से हो? गोहाना से। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वैसे, कुल आपके पास क्या क्या चीजें मिल रही हैं? मेरे पास गिनी चुनी वेराइटीज है, जलेबी है स्पेशल, और देसी घी की है, और पेड़े पाई हुई जलेबी। हाँ ये 250 ग्राम की एक होती है। 250 ग्राम की है, एक किलो में चार चढ़ती है? चार चार आती है। और क्या है आपके पास? पेड़ा है अपने दूध का बनाया हुआ। और हम जो पेड़ा बनाते हैं वो भैंस के दूध से बनाते हैं, पीने के लिए हम देसी गाय का दूध यूज कर रहे हैं कुल्हड़ में। अच्छा, पीने के लिए देसी गाय का जो है दूध है? ये दूध केसर वाला है? हाँ केसर वाला, केसर वाला है। एक बार ये भी देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। आप कैसा है दूध आपको बता दें कि इधर ये देख लीजिए, ये छोटे छोटे ये देख लीजिए, इधर ये कुल्लड़ बोलते हैं इसको, ये देख लीजिए ये कुल्लड़ है, इनके बीच में देसी गाय का दूध है। भैया थोड़ा सा दिखाइए। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा जो है दूध होता है सेहत के लिए देसी गाय का, और ये बीच में केसर भी इसके अंदर मिलाया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। ज़रा सा दीजिए भैया, ये काफ़ी बढ़िया होता है सेहत के लिए। इसमें मीठा भी हल्का हल्का होता है, मीठा मिलाते हैं बाद में, मीठा मिलाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है और बहुत बढ़िया है, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये देख लीजिए इधर जलेबियाँ जो हैं ये तैयार हो रही हैं, बहुत ही शानदार सुर्ख लाल देख लीजिए। और अब जो है इनको बीच में डाला जाएगा चाशनी के, तो लोगों से तो ये कहना चाहेंगे एक बार आएँ और ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि सीज़न जो है चल रहा है त्यौहारों का, और लोग जो है कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर और क्वालिटी का देखना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी का खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर जो है वो ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं यहाँ पर स्टॉल को, जो कि बताया जा रहा है कि भाई दूज तक जो है इसे यहाँ पर लगाया जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर पहुँचे, देख लीजिए चाशनी के अंदर जो है इसे डुबो दिया गया है, और ऐसे ही यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी की जलेबी जो है तैयार हो रही है। ख़ास तौर पर जलेबी के लिए मशहूर माथुराम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी यहाँ पर देख लीजिए कि ये जलेबी जो है इसके लिए ख़ास तौर पर ये मशहूर है, अपने पेड़ों के लिए मशहूर है, और साथ में जो दूध है आप देख सकते हैं देसी गाय का, उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप इसकी? हाँ, भी पैकिंग है आपके पास? ये ड्राई फ्रूट की भी पैकिंग है जो हमने कश्मीर से मंगाया स्पेशल, कश्मीर से गोहाना आया, गोहाना से फिर हमने मंगवाया था अपना। अच्छा, तो ये कश्मीर से क्या मंगवाया आपने? अखरोट, कश्मीर से अखरोट मंगाया है, काजू बादाम सब, बादाम मंगाया है, बादाम की भी पैकिंग हो रही है। हाँ, बादाम की भी हो रही है। ये देख लीजिए इनके पास जो है ये भी वैरायटी है, जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास लगभग 4-5 आइटम्स हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। और यहाँ पर देख लो भैया कि काफ़ी बढ़िया स्टॉल जो है यहाँ लगा रखा है, बता दें 12 सेक्टर के अंदर इस समय है करनाल के, तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो उनसे ये ज़रूर कहेंगे कि एक बार यहाँ आके ट्राई ज़रूर करें माथुराम हलवाई के पास, क्योंकि यहाँ पर 100% शुद्ध देसी जो गाय है उसी से ये तैयार जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमने आपको नहीं बताई है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जितना भी रेवेन्यू यानी कि जो भी इसमें से इनकम होगी, जो भी इसमें से उन्हें बचत होगी, वो सारी की सारी ये कमाई के लिए ना लेकर के गौशाला में दान देंगे, क्योंकि किसी भी तरह की कमाई जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है, सारे का सारा गौशाला में दान देंगे। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा भी हुआ है, जितनी भी कमाई होगी सारी कमाई गौशाला को दान जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसे किसी कमाई के ज़रिए से नहीं लगाया गया, किसी अच्छे काम के ज़रिए के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया स्टॉल लगाया है, तो लोगों को कहेंगे कि दिवाली का समय है, भाई दूज का भी समय आ रहा है, तो यहाँ पर आकर ट्राई ज़रूर करें। काफ़ी अच्छा मुझे टेस्ट इनका लगा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं मिलावटी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो मिलावट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तैयारी जो है वो बिल्कुल सामने ही की जा रही है। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और फिलहाल जो है आप लोगों को यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए, कुछ ही दिनों के लिए स्टॉल लगने वाला है, और फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।